आज के इस कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। मेरा नाम खुशाल गुप्ता है, मैं अभी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र उधमपुर के की तरफ से कार्यरत हूँ। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है, आज का कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना। हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण जिसको मनाते हुए इस वर्ष हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की फ्रीडम रन्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो फिटनेस की तरफ ध्यान दें। उसी के चलते आज रामनगर में भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और यहाँ पे एसडीएम ऑफिस से आज एक फ्रीडम रन का कार्यक्रम रखा गया था, जो यहाँ पे आके इंडोर स्टेडियम में आज कल्बिनेट हुआ। और इसमें लगभग 150 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और खासतौर पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पंचायती राज के मेम्बर्स का और म्यूनसिपैलिटी के मेम्बर्स का खासतौर पर योगदान रहा और आज हम इस प्रोग्राम को करवाने में सक्सेसफुल रहे। सर, जिस तरह से आज रामनगर में आपके द्वारा कार्यक्रम करवाया गया, क्या आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम करवाए जाएंगे? जी देखिए, हमारा तो यही है कि 2 अक्टूबर तक, 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खास तौर पे हमने फ्रीडम रन्स का आयोजन किया। हर एक लगभग यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 75 विलेजेस में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो 2 अक्टूबर तक तो हमने एक मिशन मोड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आगे भी इसी तरह हम इस तरह के कार्यक्रम जो है युवाओं को फिटनेस की तरफ प्रेरित करने के लिए करते रहेंगे। आज आपके द्वारा कितनी किटें यहाँ पर बांटी जाएंगी? देखिए, आज यहाँ के कुछ युवा मंडल हमारे बने हैं, यूथ क्लब्स बने हैं, लगभग यहाँ पे 10 जो हमारे यूथ क्लब्स हैं उनको यहाँ पे आज किट्स दी जा रही हैं। और इसी तरह से युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो इस तरह के युवा मंडल व महिला मंडल बनाए। जो कोई भी युवा मंडल बनेगा उसको नेहरू युवा केंद्र की तरफ से स्पोर्ट्स की किट्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये किस उद्देश्य को लेकर किया है? जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मैं अनिल कुमार और डिपार्टमेंट नेहरू युवा केंद्र उधमपुर, ब्लॉक है रामनगर हमारा। ये जो आज का हमने इवेंट जो रखा है रन फ्रीडम, ये आज़ादी का 75 हम महोत्सव जो मना रहे हैं आज। अब हमारा साथ दिया एसडीएम सर रामनगर में, हमारा साथ दिया और डीएसपी सर ने हमारा साथ दिया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ हमारे डीवाईसी सर जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उधमपुर से, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। आज हमने युवाओं को मोटिवेट किया, तो इसलिए कि ये हमने एक ऐसा इवेंट रखा था साथ में रन फ्रीडम तो था ही हमारा, उसके साथ में एक हमने ऐसा इवेंट रखा था कि यहाँ पे कि यूथ का जो ध्यान है जो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा है, जो आगे पीछे ड्रग्स एडिक्शन आपको पता तो है आजकल जो चल रहा है, इससे थोड़ा साइड पे होके इस हम इनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं स्पोर्ट्स की ओर, मोटिवेट करना चाहते हैं। देखो आज हमारे जो फीमेल्स में आजकल कोई फर्क ही रहा है, आज फीमेल्स कहाँ कितनी अच्छी पोस्ट पे पहुँच चुकी हैं, और साथ ही साथ हम इनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं स्पोर्ट्स की ओर। और हमारी तरफ से जितना भी अच्छा होगा समाज के लिए, सोशल एक्टिविटीज, हम इनके लिए अच्छा स्टेप उठाएंगे। हम इसके लिए यूथ क्लब्स बना रहे हैं, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से हर पार्टिसिपेशन जो हम हमारा रोल है हम इनके लिए कर रहे हैं, हम पूरा जी जान से हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि आप भी रामनगर से ही हो, जी जी जी, आप भी रामनगर के हालात जानते हैं कि रामनगर के जो युवा हैं वो ज़्यादा नशे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इन जैसे युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है कि मेरा संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस चीज़ से दूर रहो। हाँ, थोड़ा दिक्कत होती है, कोई एडिक्ट हो जाता है तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन अपने आप को संभालना है तो इस एक्टिविटी की तरफ ध्यान लगाओ, अपना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान लगाओ, इंटरेस्ट बनेगा तो वो जो एडिक्ट है वो खुद बहुत दूर हो जाएगा, वो चीज़ भाग जाएगी। हम तभी आज हमने किट्स डिस्ट्रीब्यूट की, बच्चों का ध्यान अच्छा स्पोर्ट खेले तब, जहाँ से हम चाहते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट करे, कोई हमारे देश को रिप्रेजेंट करे, हम ये चाहते हैं। और हम आज इस मकसद को लेकर चल पड़े हैं, और अगर अच्छी मेहनत लगन होगी हमारी तो हमें अच्छा फल मिलेगा। एक अंतिम सवाल, आज तक नेहरू युवा केंद्र की तरफ से रामनगर में स्पोर्ट्स के प्रति कोई भी टूर्नामेंट वगैरह नहीं करवाई गई, तो मुझे लगता है कि अगर टूर्नामेंट करवाया जाए तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा गेम की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी COVID-19 थोड़ा ऐसे चल रहा है, अभी कह रहे हैं थर्ड वेव भी आने वाला है, अगर थर्ड वेव आई तो अगर नहीं आता है तो ब्लॉक में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम जरूर करवाएंगे, इसकी चीज़ के लिए हम आपसे पहले सोच रखा है। चलो शुक्रिया सर, थैंक यू।